तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है मेकअप वाटर रिक्वायर्ड इन कूलिंग टावर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कूलिंग टावर का लेवल मेंटेन करने के लिए जो हम लोग मेकअप वाटर प्रोवाइड करते हैं तो कितना इसमें मेकअप वाटर हम लोग देंगे, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मेकअप वाटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिये फ्रेंड्स, इससे पहले जो हम लोग का प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे इस कूलिंग टावर में लॉसेस कितने टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टडी थे कि इसमें मेनली तीन टाइप का लॉस होता है, जिसमें पहला होता है फ्रेंड्स हम लोग का इवोपरेटिव लॉस, दूसरा होता है फ्रेंड्स हम लोग का ड्रिफ्ट लॉस, या इसको हम लोग विंडेज लॉस भी बोलते हैं, और थर्ड जो लॉस है फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं ब्लो डाउन लॉस। फ्रेंड्स, इस कूलिंग टावर में जितने भी लॉस है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे हम लोग को यह पता चल जाएगा कि इस कूलिंग टावर में जो पानी है इतना हमारा लॉस हुआ है। तो फ्रेंड्स, जितना पानी लॉस हुआ है उतना ही हम लोग को पानी इस कूलिंग टावर में डालना पड़ेगा, यानी उतना मेकअप करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जो लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस कूलिंग टावर में होने वाले लॉस को एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि जो मेकअप वाटर देना है उसका रिक्वायरमेंट कितना है। तो फ्रेंड्स, इस कूलिंग टावर का कुछ पैरामीटर है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां से क्या होता है, हमारा हॉट वाटर एंटर करता है, तो इसका फ्लो की बात करेंगे तो फ्लो कितना दिया है फ्रेंड्स, 1500 mq/h दिया है, और जो वाटर यहां से इनलेट हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, 38°C है। और पानी जैसे ही इस कूलिंग टावर में ठंडा हो जाता है तो ठंडा होकर के कहां आता है, सम्प में आता है, तो सम्प में इस पानी का टेम्परेचर कितना है फ्रेंड्स, 30°C है। यानी कि फ्रेंड्स, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का डिफरेंस कितना है, 8°C, यानी डेल्टा टी इसका कितना है, 8°C है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो हम लोग का पानी है, इस सम्प में जो पानी है इसका TDS यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना है, 1500 ppm है, और जो मेकअप वाटर यहां से देते हैं इसका TDS कितना है, 250 ppm है, ठीक है। ये हम लोग के पास पैरामीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे एक एक करके हम लोग लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इवोपरेशन लॉस। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि इवोपरेशन लॉस इक्वल टू क्या होता है, सी यानी कि सर्कुलेशन रेट, इसका सर्कुलेशन रेट कितना है, 1500 है, तो 1500 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है फ्रेंड्स, 38 - 30 कर देंगे तो हम लोग को डेल्टा टी आ जाएगा, और इनटू क्या करना है फ्रेंड्स, सीपी यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो कितना होगा फ्रेंड्स हम लोग का 1 है, और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, यह कितना होता है फ्रेंड्स, इसका वैल्यू होता है 540, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको इसका पता चल जाएगा कि इवोपरेशन लॉस कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इवोपरेशन लॉस कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वह क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए फॉर्मूला है फ्रेंड्स 0.00085 × 1.8। यह 1.8 क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग टावर फैक्टर भी बोलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि 10 लाख किलो कैलोरी हीट रिजेक्ट करने के बाद हम लोग का 1.8 mq इवोपरेशन लॉस होता है, तो एक यह थ्योरेटिकली इसको अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और इनटू क्या करना है फ्रेंड्स, सर्कुलेशन रेट इनटू डेल्टा टी कर देना है, बस हो जाएगा। तो सर्कुलेशन रेट कितना है, 1500 इनटू डेल्टा टी, इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 8°C हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स कितना वैल्यू आता है हम लोग अभी देख लेते हैं। तो इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 1500 × 8 और डिवाइड कर देना है 540 से, तो हमारा वैल्यू आ जा रहा है 22.22, या क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, mq/h। तो देखिए फ्रेंड्स, यह डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका वैल्यू थोड़ा सा कम आता है, अप्रोक्स हम लोग का 19 mq/h के करीब में आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहां पे अगर हम लोग ब्लोडाउन निकालेंगे तो इसको परसेंटेज ऑफ इवोपरेशन में निकालना पड़ता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि यह जो हम लोग का वाटर सर्कुलेटिंग वाटर का यह कितना परसेंट आ रहा है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। अगर इसको परसेंटेज में आपको निकालना है तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, 22.22 = 1500 का x%। तो यह कैसे निकालेंगे, 1500 × x/100 हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा। तो x का वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, 22.22 × 100 और डिवाइड कर देना है 1500 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना
परसेंटेज है, इतना कितना परसेंट आ रहा है, यानी इनटू 100 और डिवाइड कर देना है 1500 से, तो आपका वैल्यू आ जा रहा है 1.48%। फ्रेंड्स, इस सर्कुलेटिंग वाटर का 1.48% यहां पे इवेपोरेशन लॉस हो रहा है इस पैरामीटर पे, ठीक है। और क्वांटिटी की बात करेंगे तो कितना होगा, 22.22 एमक्यू पर आवर होगा। तो फ्रेंड्स, पहला हम लोग को निकल के आ गया इवेपोरेशन लॉस कितना हो रहा है, तो हो रहा है फ्रेंड्स 1.48%, ठीक है। अब हम लोग का दूसरा जो लॉस है फ्रेंड्स, वह क्या है, ड्रिफ्ट लॉस। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रिफ्ट लॉस इसमें क्या है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा दिया है, तो यहां पे हमारा नेगलिजिबल आ रहा है, यानी कि हमारा ड्रिफ्ट लॉस यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट लॉस हमारा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, ब्लो डाउन लॉस। तो ब्लो डाउन लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन प्लस परसेंटेज ऑफ ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट यहां पे नील है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, केवल परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन इक्वल टू होता है परसेंटेज ऑफ इवेपोरेशन डिवाइड क्या होता है, सीओसी माइनस 1। तो फ्रेंड्स, कैसे हम लोग निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, सीओसी निकालने के लिए हम लोग बात किए थे कि सीओसी का मतलब क्या होता है, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यह जो वाटर है फ्रेंड, जो सम्प में वाटर है, ठीक है, इसका टीडीएस, तो इसका टीडीएस कितना है 1500 है, और डिवाइड कितना कर देना है, या जो मेकअप वाटर का टीडीएस है वह कितना है 250 है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1500 डिवाइड कर दीजिए 250 से, तो वैल्यू आ जा रहा है फ्रेंड्स 6। तो हम लोग का कितना आ गया, सीओसी 6 आ गया। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ इवेपोरेशन कितना है 1.48, और डिवाइड कितना कर देना है 6 सीओसी आ गया माइनस 1 से, तो यह कितना हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा ना, 1.48 डिवाइड 5 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 1.48 डिवाइड 5, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 0.29, या इसको आप लिख सकते हैं 0.30 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यह क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि परसेंटेज ऑफ ब्लो डाउन हमारा कितना है 0.3% है, यानी कि इस सर्कुलेटिंग वाटर का कितना परसेंट है 0.3% है। तो हम लोग इसका ब्लो डाउन का क्वांटिटी अगर निकालना होगा, यानी कि फ्रेंड्स ब्लो डाउन क्वांटिटी अगर आपको निकालना होगा तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1500 का 0.3% यानी 1500 इंटू 0.3 और डिवाइड कर देना है 100 से, तो यह कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप इसको कर सकते हैं 4.5, यह क्या हो जाएगा एमक्यू पर आवर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लो डाउन लॉस कितना हो रहा है 4.5 एमक्यू पर आवर हो रहा है, और इवेपोरेशन लॉस जो हो रहा है वह कितना 1.48, यानी कि फ्रेंड्स कितना हो रहा था 22.22 एमक्यू पर आवर हो रहा था, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम लोग को क्या निकालना है, मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट कितना हो, यानी कि फ्रेंड्स हम लोग को लॉस पता चल गया कि लॉस कितना हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों को जोड़ देंगे, जितना भी लॉस हुआ है उसको हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि मेकअप वाटर रिक्वायर्ड इन कूलिंग टावर। कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारा जो इवेपोरेशन लॉस हुआ है प्लस हमारा ड्रिफ्ट लॉस जो हुआ है प्लस जो हमारा ब्लो डाउन लॉस हुआ है उसको हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, तो इवेपोरेशन लॉस कितना है 22.22 प्लस ये क्या है हमारा एलिजिबल कुछ भी नहीं है तो जीरो मान लेते हैं, और ब्लो डाउन लॉस कितना हो रहा है फ्रेंड्स, हमारा कितना आया था 4.5 आया था ना, 4.5, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22.22 प्लस 4.5, तो हमारा आ जा रहा है 26.72 एमक्यू पर आवर। इस कैलकुलेशन से हम लोग पता कर लिए कि इस सिटी बेसिन का लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग को 26.72 एमक्यू पर आवर पानी यहां से मेकअप देना पड़ेगा। अगर इतना मेकअप देंगे तो हम लोग का जो सिटी बेसिन का लेवल है फ्रेंड्स वह मेंटेन रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि इतना हमारा लॉस हो रहा है, तो जितना लॉस होगा जितना हमारा आउटपुट हो रहा है उतना आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो लॉस क्या है फ्रेंड्स, एक तरफ से हमारा आउटपुट है, इनपुट क्या हो जाएगा हमारा, या जो मेकअप वाटर दे रहे हैं वह इनपुट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेकअप वाटर इस सिटी बेसिन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है वह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं
तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।